स्पेशल के रूप में चल रही एक्सप्रेस ट्रेनों की समय सारणी 1 जनवरी से बदल जाएगी। यात्री हेल्पलाइन नंबर 139 या नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम NTES पर ट्रेनों के समय सारणी जांचने के बाद ही यात्रा आरंभ करें। इसके अलावा डिजिटल कैलेंडर भी लागू होगा। रेल कर्मी कहीं भी कभी भी अपने मोबाइल पर कैलेंडर और छुट्टियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने 1 जनवरी से कुशीनगर एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेनों का ठहराव बढ़ा दिया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 1015/1016 लोकमान्य तिलक टर्मिनस, गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस, कुशीनगर एक्सप्रेस 31 जनवरी तक नेपा नगर में भी 1 मिनट रुकेगी। पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के चलते स्पेशल ट्रेनों का निरस्तीकरण जारी है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 1 जनवरी को चलने वाली 5211 दरभंगा अमृतसर तथा 3 जनवरी को चलने वाली 5212 अमृतसर दरभंगा स्पेशल ट्रेन निरस्त रहेगी। इसके अलावा कुछ ट्रेनें मार्ग बदल कर चलाई जाएंगी। इसके अलावा बिना फास्टैग के वाहनों की न बिक्री होगी और न ही पंजीयन हो पाएगा। वाहनों की फिटनेस जांच के लिए भी फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रियों के अनुसार प्रदूषण जांच शुल्क बढ़ा दिया गया, 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। दो पहिया वाहनों का ₹50, 3 और हल्के 4 पहिए वाहनों का ₹70 तथा डीजल चालित भारी वाहनों के लिए ₹100 शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। अब डीलरों के यहाँ भी प्रदूषण जांच भी हो जाएगी। डीलरों को वर्कशॉप में प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इंडियन टाइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।